नौवीं कक्षा के छात्र को सांप ने काटा। स्कूल प्रशासन की खुली पोल हरियाणा के कैथल से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। मामला नौवीं कक्षा के एक छात्र का है जिसकी सांप के कटने से दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल रोजाना की तरह 15 वर्षीय छात्र रोहित कक्षा में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। वहीं इस दौरान रोहित का पेन जमीन पर गिर गया। उसे उठाने के लिए जब वो आगे बढ़ा तभी बेंच की पाइप में घुसकर बैठे सांप ने उसे डस लिया। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और उसके परिजनों को सूचित कर दिया। हालांकि लाख कोशिशों पर भी बच्चे को बचाया ना जा सका। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 15 वर्षीय बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है? अब या तो हम इसे सिस्टम की खामी कह सकते हैं या स्कूल प्रबंधन की नाकामी। निश्चित रूप से स्कूल में सफाई कर्मचारी कार्यरत है, लेकिन फिर भी स्कूल की सफाई ठीक ढंग से क्यों नहीं हो पाई? जिस मां के लाल ने सिस्टम की खामी के चलते जान गंवाई, उस मां के दिल पर क्या गुजरती होगी? शिक्षा विभाग ये सुनिश्चित करे कि इस प्रकार की गलती दोबारा ना हो और इसके साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजा भी दिया जाए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी।